समस्या है। अरे क्यों, वो वैसे नहीं है, ऐसी बड़ी कुर्सी में बैठी अपनी जिंदगी जीना चाहती। महिलाओं पर उंगली बहुत आसानी से उठती, बिल्कुल। अगर किसी महिला को कहीं भी झुकाना है, सबसे पहले उसके इज्जत पे वार करो, वही वो झुकेगी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य केस में यू टर्न आलोक मौर्य ने ले लिया है। लंबे वक्त से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य अपने झगड़े की वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं। वहीं अब अपनी पत्नी पर आरोप लगाने वाले आलोक मौर्य ने शिकायत वापस ले ली। हालांकि पत्नी के साथ रहेंगे या अलग रहेंगे, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अब कहा जा रहा है कि जल्द ही ज्योति भी अपना मुकदमा वापस ले सकती हैं। बता दें, पीसीए सत्कारी ज्योति मौर्य के खिलाफ उनके पति आलोक मौर्य ने शिकायत वापस ले लिया है। सोमवार की जाँच कमेटी के सामने पेश हुए आलोक मौर्य को लिखित रूप से शिकायत वापस लेने का अनुरोध किया। पति के साथ वापस आएंगी ज्योति मौर्य। कमेटी के अध्यक्ष अपर आयुक्त प्रशासन अमृतलाल बिंद का कहना है कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ही कमेटी आगे बढ़ेगी। माना जा रहा है कि ज्योति और उनके पति आलोक मौर्य के बीच गुपचुप समझौता हुआ है। संभव है कि जल्द ही ज्योति भी अपना मुकदमा वापस ले लें, लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद क्या ज्योति मौर्य अपने पति के साथ वापस आ जाएंगे? ये आपके मन में भी प्रश्न होगा। क्या इतना ज़्यादा जो नौटंकी किया है आलोक मौर्य ने, सही किया? मीडिया से रोते बिलखते बात क्या है, बहुत सारी चीज़ें कि भ्रष्टाचार का केस लगाया। क्या ज्योति मौर्य अब आलोक मौर्य के साथ रहेंगी? क्या रिश्ता में समझौता हो गया कि दोनों एक साथ रहेंगे? आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आलोक मौर्य ने सही किया कि गलत।